बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया चौधरी। नाज़रीन, 1.4 ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPAC, इन दोनों को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। काफ़ी सारी उम्मीदें थी इन प्रोजेक्ट से और एक टाइमलाइन थी जब तक इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो सके। लेकिन आज 10 साल बाद फिर से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, फिर से प्रोजेक्ट्स को रिवाइव किया जा रहा है और दोबारा से ये बात की जा रही है कि जिस तरह अफगानिस्तान को इसमें शामिल किया जाएगा, नेपाल इस प्रोजेक्ट में शामिल हो चुका है, तो इन सब से जो हमारी इकोनॉमी है वो बेहतर होगी, हमारे फॉरन अफेयर्स पे अच्छे असरात पड़ेंगे और हमारे मुल्क पर भी अच्छे असरात पड़ेंगे। हालांकि इंडिया को काफ़ी सारे इश्यूज हैं इन सारे मामलात पर, CPAC पर, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती पर, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है और आइंदा दिनों में ये हमें कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है, या स्पेसिफ़िकली अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान को कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है और क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या मसले मसाइल हैं यहाँ पर जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में सरदार शौकत पोपलज़ई, जो कि बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को किस तरीके से देखते हैं और क्या उनके पास तजावीज़ हैं हुकूमत पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट सारा चल रहा है, 10 साल से चल रहा है और अब तक इसको किन मुश्किलात का सामना, या आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें लैक की हैं जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आज तक कम्प्लीट नहीं हो सका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा ख्याल है इससे पहले कि अगर हम इसको डेप्थ में एनालिसाइज करें, लेकिन बेहतर होगा कि हम जो CPAC के जो पेरेंट प्रोजेक्ट है उसको हम डिस्कस कर लें। वो है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये 6 कॉरिडोर्स पे है और जो CPAC है ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, और जो मेन रीज़न है चाइना का लॉन्च करने का कि वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करना चाहते हैं, अल्टीमेटली इकोनॉमिक रीजन से। अब इकोनॉमिक रीजंस तो एक पार्ट है, लेकिन आजकल के हालात को देख के आप स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस को भी ले सकते हैं कि वो कनेक्टिविटी उसमें लेंगे। अब पाकिस्तान में CPAC जितना BRI को टाइम हुआ, इतना CPAC को पाकिस्तान में 10 साल हो गए, और टोटल जो वैल्यू है कोई 65 बिलियन डॉलर्स बोलता है, कोई 62 बिलियन डॉलर्स बोलता है, लेकिन आज तक अफसोस की बात है कि फेडरल गवर्नमेंट ने, कोई भी हो, किसी एक को ब्लेम मैं नहीं दूंगा, लेकिन तमाम फेडरल गवर्नमेंट ने उनको प्रॉपरली इसको स्पेल आउट नहीं किया कि एक्चुअली CPAC है क्या चीज। अवामो नास को नहीं बताया, प्राइवेट सेक्टर को एग्जैक्टली नहीं मालूम कि व्हाट इज CPAC एंड हाउ वी कैन पार्टिसिपेट इन टू दैट। अगर गवर्नमेंट ये समझे कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो डोरमेंट रहे और हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें और हम एनर्जी प्रोजेक्ट्स ले आए, तो अल्टीमेटली यूसेज तो प्राइवेट सेक्टर का होगा ना, तो आपको प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। तो जैसे मैंने कहा कि अगर 65 बिलियन डॉलर्स भी ले लें तो यही PMLN की गवर्नमेंट थी और एहसन इकबाल साहब जो थे वो उन दिनों मिनिस्टर थे, तो इन्होंने ऑप्ट किया 36 बिलियन डॉलर्स के एनर्जी कॉर अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट इन्होंने बोला, और वो एनर्जी कॉरिडोर, क्योंकि उन दिनों पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी, पावर हाउस प्रॉपर चल नहीं रहे थे, इंडस्ट्रीज़ जो है उनको प्रॉपर पावर मिल नहीं रही थी, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ द टाइम ने डिसीजन लिया कि जी हम एनर्जी में चाइना से इन्वेस्ट करवाते हैं। वो किया, उसमें भी कुछ देर हुई, लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि 36 बिलियन डॉलर के जो पावर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो लग गए, और कुछ जैसे मेट्रो है 2-3 शहरों में वो भी चल रही हैं, और इसी तरह रोड भी बन रही हैं। अब मैं इस पे आता हूँ कि ये CPAC का डिसीजन सही था या नहीं था, इकोनॉमिक सेंस में मैं बात करूँगा। गवर्नमेंट के अपने थिंक टैंक्स हैं, गवर्नमेंट की अपनी इनपुट है, लेकिन मैं समझता हूँ एज अ लेमैन कि गवर्नमेंट को इसको माइक्रो लेवल पे शुरू करना चाहिए था, ताकि जो अंडर डेवलप्ड प्रोविंसेस हैं जिनमें बलूचिस्तान शामिल है, सिंध प्रोविंस शामिल है, KPK है, वो इसमें फुली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एनर्जी कॉरिडोर की मैं बात करूंगा कि एनर्जी जो अर्ली हार्वेस्ट लगे तो बलूचिस्तान को तो कुछ नहीं मिला उसके अंदर, बिल्कुल सिंध को भी इतना नहीं मिला जी, तो मोस्टली पंजाब में वो गया,
अर्ली हार्वेस्ट. तो बलूचिस्तान में जो हुआ वो ग्वादर पोर्ट बना, ग्वादर पोर्ट पहले बन चुका था, सिर्फ चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुई. गवर्नमेंट ने पीएसए को पोर्ट सिंगापुर अथॉरिटी को दिया था, फिर इसके बाद उन्होंने चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग को दे दिया जो चाइनीज कंपनी है. लेकिन ग्वादर पोर्ट जो है वो बगैर हिंटरलैंड डेवलपमेंट के नहीं चल सकता. आज तक हिंटरलैंड जो है, जो सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, वो हिंटरलैंड डेवलप नहीं कर सके. तो अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें कि हम ईरान के साथ कारोबार करें, हम अफगानिस्तान के लिए ट्रांजिट ट्रेन करें, हम सेंट्रल एशिया के लिए कॉरिडोर बने, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई भी बलूचिस्तान के अंदर अंडर सीपैक कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ एक्सेप्ट ग्वादर. तो ग्वादर के साथ वो चाइनीज ने एक 25 किलोमीटर बाईपास भी बनाई है. ग्वादर के अंदर एयरपोर्ट बन रहा है, बड़ा फास्ट पेस पे है, उम्मीद है कि 2-3 माह में वो भी आ जाएगा. लेकिन अब फिर मैं उस पर जो मैंने पहले बात की कि प्राइवेट सेक्टर का इनिशिएटिव वहां नहीं है, उसकी वजह है कि आपका हिंटरलैंड डेवलप नहीं हुआ, लोगों के पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लोगों को कनेक्टिविटी इशू है. तो दैट हैज टू बी सीन इन दैट कॉन्टेक्स्ट. तो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उन्होंने अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट लगाए. तो उसमें कुछ सूबों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और कुछ सूबों को नेग्लिजिबल फायदा हुआ. तो आज भी आप देखें कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो उससे फ्रूट्स हासिल नहीं कर सकें सीपैक से, जो लोकल पॉपुलेशन को हासिल होना चाहिए. मैं आपको बलूचिस्तान से रेफरेंस से मैं बता रहा हूँ. तो माइक्रो में इसलिए कह रहा हूँ कि माइक्रो में हमारे जो मेन बिजनेसेस हैं जिसमें एग्रीकल्चर है, अब चाइना ने डिसीजन दिया, ऐलान किया कि जो सेकेंड फेज जो है सीपैक का, वहां पे हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे. तो अल्लाह करे कि इसमें कोई रुकावट ना हो, स्लो ना हो और ये आगे चले. तो इसमें मुझे उम्मीद है कि बलूचिस्तान, सिंध, इवन पंजाब जो है, क्योंकि हमारी मेजर पॉपुलेशन जो है वो एग्रो बेस्ड पॉपुलेशन है. अराउंड बलूचिस्तान में तो 69% इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. तो उनको बेनिफिट होगा. जब उनको बेनिफिट होगा, अल्टीमेटली उनको कुछ रिक्वायरमेंट होंगी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड कनेक्टिविटी है, टेलीकम्युनिकेशन है और इसी तरह जो और चीजें हैं इससे अलाइड, उसकी जरूरत पड़ेगी. तो फिर गवर्नमेंट को कंपल्शन होगी कि वो उनको फैसिलिटेट करें, वो दें. अभी भी जो पीएसडीपी बनते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनते हैं, वो अनफॉर्चुनेट अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें पिछले 10 साल से, बहुत कम, मैं बलूचिस्तान के रेफरेंस, बहुत कम मिलेगा कि कहीं भी गवर्नमेंट स्पेसिफिकली सीपैक के लिए कोई प्रोजेक्ट लगा रही हो या सीपैक के लिए प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट कर रही हो. वो नहीं कर सके. पूरा कोस्ट जो है बलूचिस्तान का तो तकरीबन 800 किलोमीटर है, विच इज ए ह्यूज एरिया. और फिशरीज जो है वहां का बिजनेस है और लोकल पॉपुलेशन इन्वॉल्व है. चाइनीज और पाकिस्तान गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आज तक उन फिशरमैन को सपोर्ट नहीं कर सके. ऐसा ही है. सपोर्ट ये नहीं करना कि आप उनको खैरात में राशन दें, आप खैरात में और चीजें करें कि जी सोलर सिस्टम लगा रहे. दे डोंट नीड दैट. दे नीड टू डेवलप देयर इनकम और रिस्क के हलाल कमाने के लिए उनको जरूरत है. तो जो उनकी इकोनॉमिक्स है, जो उनका सेक्टर है, अगर आप उसको प्रमोट नहीं करेंगे और आप खैरात देते रहेंगे, तो मैं समझता हूं इतना बड़ा, इससे बड़ा जुल्म आप किसी कौम के ऊपर नहीं करेंगे. तो ये मैंने थोड़ा सा आपको सेपेक का हाल दिया. आगे फिर और डिस्कस कर सर, सेकंड फेज की आपने बात की है. तो जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वहाँ के रिहायशियों को काफ़ी सारे मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और हुकूमत को भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. तो आप क्या देख रहे हैं कि इस सेकंड फेज में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्या चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए जो उनको फेस करने हैं? देखिए, मेन इश्यूज हैं जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है वो आपकी फाइनेंशियल इश्यूज हैं हम लोगों के. जी, तो अल्टीमेटली अगर आप माइक्रो लेवल पे लोगों को सपोर्ट करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट नीड उनकी जो है वो पैसा है. तो पैसा कौन देगा? बैंक देगा, गवर्नमेंट देगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी, फेडरल गवर्नमेंट देगी, चाइनीज गवर्नमेंट क्या इनपुट देगी? तो ये अभी तक उन्होंने स्पेल आउट नहीं किया इसको.
ये तो फॉर श्योर है कि एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक भी आता है, एग्रीकल्चर भी आता है, तो उनको तो फाइनेंस चाहिए होगा, तो हु इज गोइंग टू प्रोवाइड फाइनेंस, दैट्स नंबर वन, दैट विल बी अ प्रॉब्लम. सेकंड इज दिस, इफ यू वांट टू मूव अहेड, जैसे कुछ कंट्री कहते हैं कि जी हम फूड सिक्योरिटी के लिए बलूचिस्तान जैसे सूबे को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ बैरन लैंड, तो हम उसको कल्टीवेट करेंगे ताकि अपने इलाकों में फूड सिक्योरिटी कर सकें, जिसमें अरब वर्ल्ड भी शामिल है, चाइना खुद भी शामिल है. तो उसके लिए देन यू नीड टू हैव अ गुड कनेक्टिविटी, गुड, यू नीड टू हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए. वो भी एक एक बड़ा इशू है. बलूचिस्तान केपी के माउंटेनस है, माउंटेन्स है, तो उनको रगेड माउंटेन्स के अंदर से इंफ्रास्ट्रक्चर निकालने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए एंड यू नीड लॉट्स ऑफ मनी. तो ये दो तीन मुश्किलात हैं मैंने आपको बताई. फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी टेक्निकल नो हाउ नहीं जानती, तो आपको उनको एक 10 साल हमारे हुकूमतों ने, फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वेस्ट कर दिया. बिल्कुल. कि इनको लोकल पॉपुलेशन को जानते हुए कि आने वाले वक्त में इकोनॉमिक्स क्या डायरेक्शन लेगी, इनको चाहिए था कि टेक्निकल नो हाउ दें, इनको टेक्निकल एजुकेशन देते, आप इंस्टीट्यूशन खोलते ताकि इनको अगर चाइनीज लैंग्वेज सिखानी है तो वो भी सीखें, अगर आपने उनको और चीजें मशीनरी सिखानी है, टेक्नोलॉजी सिखानी है तो वो सीखें. ये एक जो मेरे जेन में बनता है कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये चीजें लैक की. अच्छा सर, ये बताइएगा कि कनेक्टिविटी की बात हो रही है तो चाइना के नेपाल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर अफगानिस्तान के जो हालात आजकल चल रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो ताल्लुकात हैं ये आपस में बेहतर होंगे? बिल्कुल ही इंशाल्लाह होंगे. पाकिस्तान के दोनों कंट्रीज के साथ वैसे भी हालात ठीक हैं, और अफगानिस्तान तो सीपेक को इन्होंने एक्सेप्ट किया. सीपेक से अलावा बीआरआई भी वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है टू फ्रॉम अदर एंड, क्योंकि चाइना से ट्रेन अफगानिस्तान के अंदर अप कंट्री आ चुकी है और फिर ईरान भी, फिर आगे यूरोप तक वो चली गई. तो ये कंट्रीज जो हैं वो डेफिनेटली इसको अडॉप्ट करेंगे, और मैं समझता हूँ अफगानिस्तान और नेपाल दोनों भरपूर उससे फायदा उठा रहे हैं. मैं इधर एक चीज मेंशन करना चाहूंगा. देखिए, हम लोग 65 बिलियन डॉलर्स जो है वो उस पर जंप लगा रहे हैं कि वी आर वेरी प्राउड के 65 बिलियन डॉलर्स एक सुपर पावर इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन हमें ये भी फिक्र करनी चाहिए कि वही सुपर पावर जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी इन्वेस्ट कर रही है. आप देखें कि 400 to 600 बिलियन डॉलर्स का एग्रीमेंट उन्होंने ईरान के साथ किया, विच इज ए ह्यूज अमाउंट. हम लोग वी आर पीनट्स, 65 बिलियन डॉलर्स को उसके आगे लें तो वी आर नथिंग. जिस पेस पे चाबहार पोर्ट जो तकरीबन 100 किलोमीटर है ग्वादर से, वो फास्ट पेस पे काम कर रहा है, वहां पे एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके कंपेयरिंग ग्वादर टू डॉर्मेंट पड़ा हुआ है. उधर कितनी बर्स हैं और हमारी 2-3 बर्स हैं, फिर भी हम उसको समझ नहीं रहे. तो इन चीजों को इंस्टेंटली और फास्ट पेस पे देखना होगा. आप देखें कि बलूचिस्तान के साउथ में, जिसमें इंक्लूडिंग ग्वादर है, फिर पसनी बहुत इंपॉर्टेंट है, रुमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिशरमैन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रिसिटी. आज भी ईरान से कोई 140 मेगावाट हम लोग बिजली लेते हैं, और मुजीद 100 मेगावाट और साइन किया है. ईरान वॉज रेडी टू प्रोवाइड अस अबाउट 1100 मेगावाट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैंक्शन की वजह से हम लोग नहीं ला सकते. ईरान की गैस पाइपलाइन बलूचिस्तान के बॉर्डर पे खड़ी हुई है, लेकिन सैंक्शन की वजह से हम उसको गैस पाइपलाइन को अंदर नहीं ला सकते. तो अब इन चीजों को देखना है कि ग्वादर के अंदर एक पावर प्रोजेक्ट लगना था जो अंडर सीपेक लगना था, वो इतना स्लो पेस का ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का शिकार हुआ कि आज तक वो प्रोजेक्ट जो है वो अपनी क्लोजिंग नहीं कर सका, फाइनेंशियल क्लोजिंग नहीं कर सका. तो ये बहुत से इश्यूज हैं जो एक हर्डल क्रिएट करते हैं और जो सीपेक का मोमेंटम है उसको स्लो करते हैं. सर, ये बताइएगा कि सीपेक और बीआरआई के नतीजे में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो ज्यादा तरक्की पजीर होंगे, मतलब जिनको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा और उससे इकोनॉमी बेहतर होगी? मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर और साइमल्टेनियसली इंडस्ट्री में. देखें, एक मैं अर्ज करूं
कि चाइना में ग्रेजुअली वहां भी इन्फ्लेशन आप इतना कंटेन नहीं कर सकते जितना चाइना कर रहा है, तो अल्टीमेटली वहां इन्फ्लेशन की वजह से लेबर कॉस्ट बढ़ेगी और यूटिलिटी कॉस्ट बढ़ेगी, तो जब वो बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो महंगी हो जाएगी। तो अब चाइना के जो बिजनेसमैन है वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है और उनको मोस्ट सूटेबल लोकेशन जो है वो पाकिस्तान है जी, क्योंकि हमारा आज भी लेबर चीप है, हमारी यूटिलिटी उतनी एक्सपेंसिव नहीं जो उन कंट्रीज में, तो चाइना इधर जरूर आएगा। फिर जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आने वाले में शुरू होने लगी है वो इंडिया में, तो अल्टीमेटली इंडिया का कमर्शियल राइवल और स्ट्रेटेजिक राइवल इज चाइना, तो चाइना पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइजेशन में एम्पावर करेगा ताकि वो इंडिया को फेस कर सके। सर, इंडिया की आपने बात की तो इंडिया को काफ़ी सारे जो है ना तहफ़ुज़ात हैं सीपैक से, और वो अक्सर इस बारे में बात भी इंडिया की तरफ से आ रही होती है कि सीपैक और पाकिस्तान और चाइना मिलके जो है ना पता नहीं क्या कुछ करना चाह रहे हैं, इंडिया को दबाना चाह रहे हैं, तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि क्या जो इंडिया की तनकीद हो रही है या उसको जो तहफ़ुज़ात हैं वो जायज़ हैं या उनको इस पर क्या करना चाहिए? देखें, जायज़ तो वर्ड मैं नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन वो इनडिसेंट करते हैं प्रोपेगंडा। इंडिया की जो डेप्थ है वो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, अभी तक तो ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक इशू है नहीं। पाकिस्तान का जब से पाकिस्तान बना, जब से चाइना बना, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और बायोलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं चाइना के साथ, तो सीपैक क्यों? सीपैक कोई डिफेंस प्रोजेक्ट तो है नहीं कि हम फिक्र करें या इंडिया फिक्र करें। इंडिया को वैसे ही दे आर एलर्जिक टू पाकिस्तान एंड चाइना, और उनको सीपैक से तकलीफ है, हालांकि सीपैक से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इंडिया को एक बहुत बड़ा इशू है जो मैं आपको बताने लगा हूं। देखें, आज पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुक ठीक नहीं है, लेकिन ये वक्त आने वाला है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट भी है, 1.5 बिलियन, इसी तरह चाइना भी है। तो आने वाले वक्त में जब चाइना नंबर वन इकोनॉमिक पावर वर्ल्ड की बनेगी तो इंडिया भी उसके नंबर टू पे आएगा। सही। तो ये एक दोनों एक दूसरे के लिए कंज्यूमर मार्केट बनेंगे। तो इकोनॉमिक्स में कभी लड़ाई नहीं होती, इकोनॉमिक्स में यू हैव टू हैव लेवरेज के आप अंडरस्टैंड करें और उसको आगे चलें। सही। दूसरा, इंडिया की इकोनॉमिक्स जो है वो बगैर एनर्जी के आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। इंडिया की इंडस्ट्री कभी भी नहीं बढ़ेगी आगे, उनको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी पाकिस्तान से गुजर के जाएगी। ये तुर्कमेनिस्तान की गैस पाइपलाइन ट्रांसमिशन लाइन जो आ रही है ये हमारे तक आएगी, लेकिन हमें उतनी जरूरत भी नहीं है। अल्टीमेटली देखें, IPI है, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन बनी थी, इसी तरह जो तुर्कमेनिस्तान वाली है वो भी इंडिया तक जाएगी। तो इंडिया को अल्टीमेटली पाकिस्तान के थ्रू एनर्जी जाएगी और जानी है, क्योंकि उसके बगैर इंडिया का सर्वाइवल नहीं है, इंडियन इंडस्ट्री कैन नॉट। तो एक वक्त आएगा कि दोनों ममालिक जो है ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे और इंशाल्लाह कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। फिलहाल तो सर दुश्मनी चल रही है पाकिस्तान इंडिया। भाई ये तो अनफॉर्चुनेट फैक्टर है और चल रहा है, क्योंकि बायलैटरल हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं है। फिर स्ट्रेटेजिक जो इश्यूज हैं, कश्मीर का इशू अपनी जगह है, और फिर पाकिस्तान के क्लोज रिलेशनशिप चाइना के वो भी उनको तकलीफ है। फिर आप सब जानते हैं कि इंडिया बलूचिस्तान में मुदाखलत करता है, तो ये बहुत सी चीजें हैं कि वो हमारे ऐसे वो कोल्ड किस्म के रिलेशनशिप है। बट अल्टीमेटली वन डे इंडिया विल रियलाइज, बिकॉज इंडिया वुड नीड पाकिस्तान फॉर इट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सर, ये बताइएगा कि नेपाल का जो जियोग्राफिक लोकेशन है वो काफी फेवरेबल है सीपैक और BRI के लिए, तो नेपाल उससे कितना फायदा उठाएगा या उस चीज को कितना निग्लेक्ट करेगा? नहीं, नेपाल निग्लेक्ट नहीं करेगा, नेपाल तो फायदा उठा रहा है और वो प्राइमरली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। सही। और बिल्कुल है, सिर्फ इस उस खित्ते में सिर्फ भूटान है और इंडिया है, बाकी सब ने सीपैक को, इवन बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इन सब ने उसको अडॉप्ट किया। तो सिर्फ ये दो कंट्रीज हैं
सिंगलिंग आउट इंडिया इज देयर, जो मुखालफत करता है. इंडिया को सबसे बड़ी तकलीफ जो हुई है वो अफगानिस्तान में सीपैक का जाने का, अफगानिस्तान में बीआरआई का जाने का. अभी अफगानिस्तान वांट्स टू डेवलप ऑन फास्ट पेस एंड दे हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू हैव अ बायलैटरल कोऑपरेशन विद चाइना. तो उसके साथ उनको चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका डेवलप कर रहा है, चाइनीज प्राइवेट कंपनी भी आ रही है. आपको पता है अफगानिस्तान भी मिनरल सेक्टर बहुत रिच है और उनका एग्रीकल्चर भी माशाल्लाह बहुत रिच है. तो वो अब पहली दफा ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान ने बड़े मॉडर्न वे में इंडस्ट्री लगाई और आज आपको पता है अफगानिस्तान का पामेग्रेनेट जो है अनार वो बहुत मशहूर है जी. अब उसके जूस बन रहे हैं और जूस अमेरिका एक्सपोर्ट हो रहा है. तो दे आर मूविंग वेरी फास्ट. अल्टीमेटली उनके पीछे चाइना इज सपोर्टिंग देम इन इंडस्ट्री एंड माइनिंग आल्सो एंड एग्रीकल्चर आल्सो. सर आप बलूचिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में ही सारे प्रोजेक्ट्स लगने हैं और बलूचिस्तान को निगलेक्ट भी किया जाता है, मतलब फायदा भी हम वहीं से उठाएंगे और निगलेक्ट भी हम उसी चीज को करेंगे. तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा फ्यूचर में बलूचिस्तान को आप कहाँ देखते हैं? देखिए बलूचिस्तान को जैसे मैंने आपको पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप का आपको बताया, इसी तरह बलूचिस्तान में हमें सबसे पहले माइक्रो लेवल पे डेवलपमेंट करनी होगी ताकि लोकल पॉपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व हो जाए. और अल्टीमेटली हमारा सबसे बड़ा मिनरल सेक्टर है जी. बहुत ह्यूज रिसोर्सेज हैं, जैसे अभी रिकोडेक भी ले गए. लेकिन गवर्नमेंट को एक, दोनों गवर्नमेंट को, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो है उसको करना होगा, लेजिस्लेशन करनी होगी, कानून बनाना होगा कि बलूचिस्तान की पॉपुलेशन जो है, एक तो ये दे मस्ट गेट द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, उनको मिलना चाहिए. सेकंड, उनकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है. सही. और आप पाबंद करें जितने इन्वेस्टर्स आते हैं, वो चाहे लोकल हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें. अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में इस वक्त जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं वो अपनी सीएसआर पूरी नहीं करती, जिसकी वजह से बलूचिस्तान की पॉपुलेशन को कोई फायदा नहीं होता. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें प्रोग्राम में. बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर. नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने सीपैक के हवाले से बात की, सीपैक और बीआरआई दोनों के हवाले से बात की कि पहले हमें अपनी आवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है, फिर ये सारी चीज़ें हमें फ़ायदा पहुंचा सकेंगी. क्योंकि अगर आवाम इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकेगी, आवाम इस चीज़ के बारे में एजुकेटेड नहीं होगी कि उसको किस तरीके से रिएक्ट करना है या कितना पार्टिसिपेट करना है, तो कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकेगी. तो पहले तो माइक्रो लेवल पर अपनी आवाम को एजुकेट करना पड़ेगा, उनको ये जो टेक्नोलॉजी है या जो भी आजकल सारे मामला चल रहे हैं उनकी एजुकेशन देनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा. और दूसरी बात, फॉरेन अफेयर्स की अगर बात की जाए तो बाकी ममालिक से भी रबते अच्छे होने के चांसेस हैं यहाँ पर. और इवन अगर सीपैक और बीआरआई दोनों को अच्छे तरीके से लेकर चला जाए या फिर उनको स्पीड अप कर दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, हमारे मुल्क की माशी हालात भी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं. इसी के साथ मैं दीजिए इजाजत अल्लाह ने के बाद. ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर. MM News की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें.